अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्कीमा। तो ये बेसिकली वो लिस्ट है जो ऑफिशियल गूगल की तरफ से डिक्लेयर्ड स्कीमाज हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आर्टिकल, दूसरे नंबर पे बुक, फिर ब्रेड क्रम, फिर कैरसल, फिर कोर्स, फिर क्रिटिक रिव्यू, उसके बाद इवेंट, फैक्ट चेक, FAQ, हाउ टू, जॉब पोस्टिंग, लोकल बिजनेस, मूवी, प्रोडक्ट, QA, रेसिपी, रिव्यू स्निपेट, साइट लिंक, सर्च बॉक्स, सॉफ्टवेयर ऐप, वीडियो। तो सबसे पहले नंबर पे आर्टिकल स्कीमा। आर्टिकल स्कीमा अगर आप ऐप के साथ यूज करें तो ये जो गूगल का एक स्पेशल कैरसल है टॉप स्टोरीज वाला, उसके अंदर शो होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में, ये टॉप स्टोरीज और ये है कैरसल। उसके बाद अगर आप इसे नॉन ऐप यूज करें तो गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट के पेजेस को बेहतर तरीके से समझ पाएगा और उनकी रैंकिंग दूसरी वेबसाइट्स के मुकाबले में ज्यादा बेहतर होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये आप एक सर्च रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद ब्रेड क्रम बेसिकली आपकी जो वेबसाइट की नेविगेशन हायरार्की है उसे दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पोस्ट है, फिर उसकी कैटेगरी, फिर उसकी आगे मेन कैटेगरी। उसके बाद बुक, तो बेसिकली बुक का जो स्कीमा है वो इसलिए यूज किया जाता है कि आपकी जो बुक लिस्टिंग है उसके अंदर शो किया जा सके कि आपकी बुक्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, कहाँ से लोग ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं या रेंट पे ले सकते हैं। कैरोसेल बेसिकली एक लिस्ट लाइक रिच रिजल्ट होता है जिसे लोग स्वाइप करके देख सकते हैं। अगर कोई मूवी की सर्च करे तो वो एक मूवी की लिस्ट आ जाएगी, अगर कोई रेसिपी सर्च करे जैसे कुकीज तो वो एक रेसिपी की लिस्ट आ जाएगी, या फिर कोर्सेज। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट कोर्स के ऊपर है तो आप कोर्स स्कीमा यूज कर सकते हैं। आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, इसके नीचे ये कोर्सेज शो हो रहे हैं सारे। उसके बाद क्रिटिक रिव्यू, ये तीन चीजों के लिए यूज होते हैं, लोकल बिजनेस, मूवीज और बुक्स। अगर आपने किसी बुक के ऊपर कोई रिव्यू लिखा है, किसी मूवी के ऊपर कोई रिव्यू लिखा है या किसी लोकल बिजनेस के बारे में कोई रिव्यू लिखा है तो आप स्कीमा यूज करेंगे। तो जब भी उस चीज के बारे में सर्च किया जाएगा रिव्यूज टैब में, आपकी वेबसाइट का वो रिव्यू शो होगा। उसके बाद इवेंट, आपके इलाके में अगर कोई लोकल इवेंट है तो उसके बारे में आप ऐड कर सकते हैं अपने पेज में इवेंट स्कीमा। तो इससे गूगल में शो होगा और ज्यादा लोग जो हैं वो आपके इवेंट को ज्वाइन कर पाएंगे, टिकट्स खरीद पाएंगे। उसके बाद फैक्ट चेक, तो बेसिकली अगर कोई चीज मशहूर हो के मतलब जैसे द वर्ल्ड इज फ्लैट, लोग उसके बारे में सर्च करते हैं कि क्या ये बात असली है, तो उस फैक्ट को चेकिंग के ऊपर अगर आपकी वेबसाइट है तो आप ये स्कीमा यूज कर सकते हैं। तो उसमें आप उस फैक्ट का आंसर लिख सकते हैं, जैसे द वर्ल्ड इज फ्लैट, यू कैन सेल ओवर द एज, ये क्लेम है। तो इसको इस ने क्लेम किया स्क्वेयर वर्ल्ड सोसाइटी पैसकोप्स ने, और बेसिकली ये फैक्ट चेक करने के बाद फॉल्स है। नीचे आपको उसके फैक्ट्स देने पड़ेंगे कि ये क्यों फॉल्स है, तो फिर जाके वो जो है ये स्कीमा शो होगा। उसके बाद एफएक्यू स्कीमा, मतलब आर्टिकल के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं तो आप एफएक्यू स्कीमा इस्तेमाल करके उनमें उनके जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद हाउ टू स्कीमा, अगर कोई चीज है उसके स्टेप हैं तो आप हाउ टू स्कीमा यूज कर सकते हैं, जैसे हाउ टू टाई अ टाई, आप देख सकते हैं कि ये स्कीमा की वजह से नीचे शो हो रहे हैं। उसके बाद जॉब पोस्टिंग, अगर आपकी कंपनी कोई जॉब ऑफर कर रही है तो आप इस स्कीमा को यूज कर सकते हैं, बॉक्स आता है, इसमें आपकी वेबसाइट की भी जॉब ऐड हो जाएंगे। उसके बाद लोकल बिजनेस, अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है तो आप लोकल बिजनेस स्कीमा यूज करें तो उसकी रैंकिंग इंप्रूव होगी, और जब कोई लोग किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के लिए लोकली सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट शो होगी। उसके बाद मूवी, अगर आपकी वेबसाइट मूवीज के ऊपर है तो आप मूवी स्कीमा यूज कर सकते हैं, इससे ये मूवीज कैरसल शो होगा। उसके बाद प्रोडक्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट स्कीमा यूज कर सकते हैं, इससे ये गूगल इमेजेस में भी शो होगा और नॉर्मल रिजल्ट में भी। ये आप नीचे देख सकते हैं नॉर्मल रिजल्ट कुछ इस तरीके के शो होते हैं। इसके बाद QA, ये क्वेरा और स्टैक ओवरफ्लो जैसी वेबसाइट यूज करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है और इसके नीचे ये आंसर जो हैं ये कैरेसल में शो हो रहे हैं इधर। तो ये रेसिपी स्कीमा जो है ये रेसिपी वेबसाइट यूज कर सकती हैं, और ये गूगल ने बनाया हुआ है एक फीचर लिस्ट, इसके अंदर आपकी रेसिपी शो होती हैं। उसके अलावा रिव्यू स्निपेट्स, ये इस तरीके के शो होते हैं। तो ये रिव्यू बेसिकली किसी फिल्म के बारे में हो सकते हैं या फिर किसी गेम के बारे में। उसके बाद साइट लिंक सर्च बॉक्स, ये जो बड़ी ब्रांड होती हैं उनके नीचे ये सर्च बॉक्स शो होता है, लेकिन ये सिर्फ बड़ी ब्रांड्स में होता है, अगर आप यूज भी कर लें तो फिर भी जो है शो नहीं होगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर ऐप, ये जो है जो एंड्रॉयड ऐप्स होती हैं या विंडो ऐप, उनके नीचे ये इस तरीके से शो होता है। रेटिंग, प्राइस और प्लेटफॉर्म, वीडियो स्कीमा यूज करने से आपका सर्च रिजल्ट जो है वो वीडियो की तरह शो होता है, जैसे कि इधर आप गूगल का ये देख सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो के एकदम, अगर आप इनको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि इन्हें इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जाता है या इनका सोर्स कोड का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप स्कीमा वाला कोर्स देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।